नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर जो अभ्यर्थी हैं सेना के, वो अब बवाल कर रहे हैं, भारी विरोध जता रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सैकड़ों की संख्या में जो सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो सड़क पर उतरे थे और अग्निपथ योजना का उन्हों वो विरोध कर रहे थे। अब खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में भी खूब हंगामा हुआ है। बेगूसराय में सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं, वो भगवा गमछे लेकर सड़क पर उतर गए और खूब हंगामा किया। बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, टायर जलाकर अपना विरोध जताया। देखिए, जो युवा हैं, आखिर वो कह क्या रहे हैं, आखिर उनकी मांग क्या है, आप देखिए। करके आपने जाम किया है यहाँ पर, क्या पूरा मामला है? सर, मेरा पिछले साल का एग्जाम और बचा हुआ है आर्मी भर्ती का, वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और इस पर जो 4 साल का टीओडी लगा दिया गया है, उस टीओडी को हटा रहता है। तो इसलिए आपने क्या किया आज यहाँ पे? हम धरना प्रदर्शन किए, लेकिन यहाँ का प्रशासन उसको भगा दिया था, मुझे प्रदर्शन नहीं करने दिया। क्या मांगे सरकार से? क्या सरकार से मेरी यही मांगे, जो मेरी पिछली भर्ती जो हुई थी, एग्जाम जो बचा था, वो एग्जाम करवाए और टीओडी को हटाए, 4 साल वाला जो भर्ती है वो हटाए। तो अगर 4 साल है तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? बहुत बहुत दिक्कत है। यदि 4 साल के हम जॉब उसमें जाए, 4 साल करें, तो फिर 4 साल बाद हम क्या करेंगे? 4 साल बाद फिर हम बेरोजगार बैठेंगे। यदि 4 साल के लिए हम जाते तो फिर पढ़ाई का लिंक खत्म हो जाता, तो 4 साल के बाद फिर हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद सरकार मुझको क्या कुछ करने के लिए देगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू कुमार। आप किस लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपके? तो आर्मी के एग्जाम 2021 आर्मी के एग्जाम की मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे सड़क जाम किया था। प्रशासन के हिसाब से जबरदस्ती हम लोगों को हटा दिया गया यहाँ से। हमारा फिजिकल हम लोग का फिजिकल एग्जाम दौड़ का आयोजन कटिहार एआरओ में 2021 के जनवरी महीने में किया गया था। हमने वहाँ से फिजिकल कंप्लीट किया, उसके बाद फरवरी में हम लोगों का मेडिकल हुआ। हम लोगों ने मेडिकल एग्जाम भी क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोगों का मार्च में मई के आसपास हम लोगों का एग्जाम दिया गया था डेट मई में। इसके बाद 25 को एग्जाम का डेट था, पर 23 तारीख को उसे पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद 4 से 5 बार लगातार पोस्टपोन किया गया और अचानक से सरकार आकर कर दिया कि अब जो भी बहाली होगी वो टीओडी के अंदर होगी और पुराने एग्जाम को अब रद्द कर दिया गया। एयरफोर्स का एग्जाम भी हो चुका था, रिजल्ट पिछले 1 साल से डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो अभी डिक्लेयर करने की जब मांग उठी तो सरकार ने उससे भी टीओडी लागू कर दिया और बोली कि सरकार एयरफोर्स का एग्जाम भी रद्द कर दिया जा रहा है, फिर से सब कुछ टीओडी के अंतर्गत ही होगा। तो आपको दिक्कतें क्या है? 4 साल अगर है तो क्या दिक्कत है? 4 साल में दिक्कत यह है कि बच्चों को तैयारी करते हुए ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। 3 से 4 साल तैयारी करते हुए, उसके बाद अगर हम 4 साल के लिए जॉब में जाते तो उसमें हम लोगों को जॉब सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। 3 साल के लिए सिर्फ जॉब मिलेगा, उसके बाद हम लोग वापस घर आएंगे, हम लोगों की पढ़ाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई समाप्त होने के बाद अगर हम लौट के घर आ रहे हैं तो हम बाकी का कहीं कोई काम नहीं कर सकते। सरकार बोल रही है कि हम 20 लाख रुपया दे रहे हैं, 20 लाख रुपया लेके कोई क्या कर लेगा? 20 लाख रुपया से कोई पूरी जिंदगी कमा के नहीं खा सकता, और सरकार को लगता है वो 20 लाख रुपया देके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सरकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं, हम चाहते हैं टीओडी को सरकार वापस ले और पुनः पुराने तरीके से भर्ती लिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम एआरओ कटिहार से। तो आपने देखा कि जो युवा हैं वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर देगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि सेना में बहाली कई सालों से नहीं निकल रही है, जिसके कारण वो उनका जो उम्र है वो एक्सपायर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो उनकी दिक्कतें हैं वो लोग बता रहे थे, और उनका कहना है कि जो अग्निपथ योजना है सरकार इसे तुरंत रोक ले, नहीं तो पूरे देश में जो युवा हैं, जो देश के युवा हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।